दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन कॉरिडोर आज से चालक रहित यानी कि ड्राइवर लेस होने जा रही है। जी हां, जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे के बाद केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के परिवहन मंत्री ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भी भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन पिछले साल 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ने अपने पूर्ववर्तियों में विपरीत बढ़ते शहरीकरण को एक अवसर के रूप में लिया और मेट्रो ट्रेन सेवाओं को वर्तमान 18 से 2025 तक और 25 शहरों में विस्तारित किए जाने पर जोर टीएमआरसी के अधिकारियों ने तब कहा था जब मजलिस पार्क से शिव विहार तक फैली पिंक लाइन पर भी 2021 के मध्य तक चालक रहित परिचालन किया जाएगा। हालांकि कोविड-19 महामारी ने दिल्ली मेट्रो के परिचालन को बुरी तरह से प्रभावित किया था, लेकिन ऐसे में आज ये बड़ी सौगात फिर से दिल्ली वालों को मिलने जा रही है, जहां पर आपको बता दें पिंक लाइन पर ये ड्राइवरलेस मेट्रो आज से चलनी शुरू हो जाएगी।